ओके, क्लास 12 के बोर्ड का एग्ज़ाम का घोषणा हो चुका है। 1 फरवरी को मैथ है और 2 फरवरी को आपका फिजिक्स है, और फिजिक्स के एग्ज़ाम की तैयारी को लेके ऑप्टिक्स का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आप ज़रूर याद करके जाइए। एग्ज़ाम में ऑप्टिक्स से कुछ पूछता नहीं पूछता है, लेकिन आपको क्रिटिकल एंगल ज़रूर पूछता है। आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं और आप समझने का दिल लगा कर कोशिश करिए कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को बिना लेट के हुए। क्रिटिकल एंगल मतलब क्रांतिक कोण। व्हेन रे ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरण, देखिए बनाते हैं प्रकाश की किरण, ये एक मीडियम ले लीजिए, ऊपर नीचे हो गया डेंसर, ऊपर हो गया रेरर, ये हो गया जैसे पानी डेंसर मीडियम, ये हवा हो गया रेरर मीडियम। तो व्हेन रे ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरण गोज जाएगा डेंसर से रेरर मीडियम में, डेंसर तो ये नीचे डेंसर है और ऊपर रेरर है, गौर करिएगा, नीचे डेंसर है ऊपर रेरर है। यहाँ एक नॉर्मल ले लीजिएगा और नॉर्मल लेने के बाद एक लाइट को ऐसे यहाँ पर इंसिडेंट, यही इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हुआ, लाइट यहाँ से चल रहा और यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आने के बाद ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई हो गया, तो लाइट को ये ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये लाइट मुड़ के ऐसे आ जाएगी, इसका स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर आर बढ़ जाएगा। अब धीरे धीरे आय को बढ़ाना शुरू कर दीजिए, तो ये नीचे आना शुरू करेगा, और जितने एंगल पर आए के ये आर पूरा पूरा 90 डिग्री हो जाएगा, उसी एंगल को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। एकदम सिंपल बात है, लाइट कहाँ से कहाँ जाएगा, डेंसर से रेरर मीडियम में, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज करेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज करेगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते जाएंगे, आर भी बढ़ता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि आर का मान कंप्लीटली 90 डिग्री हो जाएगा, और जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आर का मान 90 डिग्री हो जाएगा उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। दिखाते हैं कैसे डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो व्हेन रे ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरण गया कहाँ से, डेंसर से रेरर में ओर, तो देन एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ड्यू टू व्हिच, जिसके कारण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स 90 डिग्री, मतलब यहाँ पर आने के बाद यदि सी बनता है और यहाँ पर आर 90 डिग्री हो जाता है, तो हम यहाँ पर लेकर उस एंगल को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। इसको क्रिटिकल एंगल को सी से डिनोट किया जाता है, क्रिटिकल एंगल इज डिनोटेड बाय सी, इसको सी से लिखा जाएगा, और आई जो हो गया ही सी हो जाएगा, आई बराबर ही सी हो जाएगा और आर इजकल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब आई सी हो जाएगा मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, तो आर का मान 90 डिग्री होगा, और जब आर 90 डिग्री होगा उसी के लिए सी का मान क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। अब देखिए म्यू बराबर होता है साइन आर बाय साइन आर, तो आर हो गया साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन सी, और साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो म्यूजिकल टू जो 1 अपॉन साइन सी। ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ, जाकर देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पूछा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पूछा है 1 अपॉन साइन सी, म्यू का मान हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान हो गया। अब साइन सी हम लिखेंगे तो साइन सी यहाँ जाएगा, म्यू नीचे आ जाएगा, इजिकल टू हो जाएगा 1/μ, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल कम हो जाएगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/μ, यही आपका था क्रिटिकल एंगल। यदि आप इतना लिख देते हैं तो क्रिटिकल एंगल में आपका 2 में पूरे 2 नंबर मिल जाएगा। आपको कैसे लिखना आप समझ गए, डायग्राम को नहीं भूलिएगा, आई बराबर सी नहीं भूलिएगा, आर बराबर 90 डिग्री नहीं भूलिएगा, म्यू बराबर साइन आर बटा साइन, साइन आई बटा साइन आर नहीं लिखिएगा, क्योंकि आर बाय आई लिख लिया, क्योंकि यहाँ पर लाइट डेंसर से रेरर में जा रहा है, क्योंकि म्यू का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, आर का मान ज़्यादा होता है, इसलिए ऊपर लिखना है, और आर का मान छोटा इसलिए आई का मान छोटा होगा, इसलिए इसे नीचे लिखना है, और साइन आई आर का मान कितना है 90 डिग्री, यहाँ 90 ले लीजिएगा, और आई के जगह पर सी फुट कर दीजिएगा, 90 डिग्री का पता है आपको, 90 डिग्री पता है 1 होता है, तो 1/sin c हो गया, तो ये साइन सी हर जाएगा तो 1/μ हो जाएगा, और सी इजकल टू साइन इनवर्स 1/μ हो जाएगा, ये आपका हो गया क्रिटिकल एंगल। एक बार समझ लीजिए अच्छे से शांत दिमाग से, व्हेन रे ऑफ लाइट, बोर्ड पर देख के देख लीजिए अच्छे से, लिख भी सकते हैं आप, व्हेन रे ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरण गोज जाता है फ्रॉम डेंसर टू रेरर, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में, तेन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स 90 डिग्री, और ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मान 90 डिग्री हो जाए, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को सी से लिखा जाता है, सी से आप देख रहे हैं, इसको डिनोट बाय सी से कहता है, आई इक्वल टू सी, मतलब ऐसा आपतन का कोण जिसके लिए
अब बर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए, तो आई बराबर सी तब होगा जब आर 90 डिग्री, कंडीशन है कि जब आर 90 डिग्री होगा, जब आर 90 डिग्री होगा तो आई बराबर सी होगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट ही क्रिटिकल एंगल बन जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा म्यू इज इक्वल टू साइन आर बाय साइन आई, साइन आर का मान 90 डिग्री है तो 90 डिग्री बैठा दीजिए, आई का मान सी है तो सी बैठा दीजिए, 90 डिग्री का जब 1 बैठा दीजिए और साइन सी को सी ही रहने दीजिए तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय साइन सी, अब साइन सी को यहाँ ले जाइएगा तो 1 बाय म्यू हो जाएगा, तो साइन सी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू हो जाएगा और सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय म्यू हो गया। इस प्रकार आप यदि वीडियो को 3 बार 4 बार रोक के समझ लेते हैं तो आपका क्रिटिकल एंगल जो पूछने वाला है वो आपको नहीं छूटेगा, आप आराम से बना लीजिएगा और आपको शॉर्ट में 2 में 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो पहला था आपका ऑप्टिकल फाइबर, दूसरा है क्रिटिकल एंगल, ये दोनों को निश्चित रूप से याद कर लिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।